हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ वन प्लस 12 का, और इस फोन के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ डिटेल्स में। सो अगर आपको इस फोन के कैमरे, डिस्प्ले एंड प्रोसेसर के बारे में सारी चीज़ें जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिज़ाइन एंड लुक्स की। सो इस फोन का जो डिज़ाइन एंड लुक है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी हैंडी फोन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इस फोन के बैक में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन एंड इस फोन के फ्रंट में हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। इस फोन के साइड में हमें मेटालिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। गाइस, ओवरऑल मेरे हिसाब से जो इसका डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है एंड इसका जो लुक्स है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। सो बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। सो इस फोन में हमें 6.82 इंच की प्रो एक्सडीआर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें हमें कर्व डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन का सपोर्ट एंड एचडीआर 10 प्लस जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, इस फोन में हमें एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जो कि इस फोन के अलावा और किसी फोन में देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, वो है इस फोन की ब्राइटनेस। सो इस फोन में हमें 4500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि इस फोन के अलावा और अभी तक के किसी फोन में देखने को नहीं मिलता। सो अगर आपको मूवीज और वीडियोज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है और आप बहुत ही ज्यादा मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, सो ये फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस फोन के जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। सो मैंने इस फोन के काफ़ी सारे सैंपल्स कुछ इनडोर्स में एंड कुछ आउटडोर्स में शूट किए हैं। सो गाइस, उन सैंपल्स को देखकर आप इसके डिस्प्ले की क्वालिटी का काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं। सो गाइस, हम बात करते हैं इस फोन के सबसे हाईलाइटेड पार्ट की, जो कि है इसका कैमरा। तो इस फोन में हमें इसका जो कैमरा सेटअप है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो पीछे की तरफ काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। तो गाइस, इस फोन में हमें 50 मेगापिक्सल का सोनी लिट 808 प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस एंड 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। सो इसका जो कैमरा सेटअप है वो काफ़ी बढ़िया है एंड इस फोन में हमें 120x तक का डिजिटल जूम देखने को मिलता है। सो जूमिंग के मामले में भी ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है एंड इस फोन के कैमरे में हमें काफ़ी सारे मोड्स एंड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें नाइट मोड, प्रो मोड, पोर्ट्रेट एंड और भी काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे भर भर के देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा इस फोन में हमें OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस, इस फोन के बैक कैमरे से हम 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps तक शूट कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। तो इस फोन में हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें सोनी का सेंसर दिया गया है एंड इस फोन के फ्रंट कैमरे से भी हम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps तक शूट कर सकते हैं। सो गाइस, इस फोन का जो कैमरा सेटअप है एंड इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा इस बजट के हिसाब से। एंड इस फोन का जो बैक कैमरा है उसमें से भी हम काफ़ी बढ़िया फोटोज़ और वीडियो शूट कर सकते हैं एंड इसके फ्रंट कैमरे से भी हम काफ़ी बढ़िया फोटोज़ और वीडियोस शूट कर सकते हैं। सो गाइस, इस फोन के बैक कैमरे से मैंने काफ़ी सारे वीडियोस एंड फोटोज़ के सैंपल्स क्लिक किए हैं, जिन्हें आप देखकर इसकी बैक कैमरे की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा इसके फ्रंट कैमरे से भी मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियोज़ शूट किए हैं। तो गाइस, मुझे पर्सनली इस फोन का जो कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया लगा। सो अब बात करते हैं इस फोन के पोर्ट्स एंड बटन्स की। सो इस फोन में हमें USB 3.2 पोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस, इस फोन में हमें जो 3.2 पोर्ट दिया गया है उसकी मदद से हमें जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा इस फोन में हमें सिम ट्रे टूल एंड इस फोन के लेफ्ट में हमें अलर्ट बटन एंड ऊपर की साइड यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल, नॉइस कैंसिलेशन माइक, IR ब्लास्टर एंड इसके राइट साइड में हमें वॉल्यूम बटन एंड पावर की देखने को मिल जाती है। सो गाइस, हम बात करते हैं इस फोन के ब्रेन की, जो कि है इसका प्रोसेसर। सो इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। एंड गाइस, इसके अलावा इसमें हमें 19 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं एंड इस फोन में हमें ऑक्सीजन OS 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा इस फोन में हमें 4 साल तक के OS अपडेट्स एंड 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस फोन में हमें फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया अपडेट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, हम बात करते हैं कि इस फोन में हम अच्छी खासी गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। सो गाइस, ऑब्वियस ही बात है कि इस फोन का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो गाइस, इस फोन में हम अच्छी खासी हाई लेवल की गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकें या फिर वीडियो एडिटिंग कर सकें, सो इस फोन को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस फोन का जो प्रोसेसर है वो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो गाइस, अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी की। सो इस फोन में हमें 5400 mAh की बैटरी
एंड 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा इस फोन में हमें 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। सो बैटरी बैकअप के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है। एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसमें हमें 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। सो गाइस इस फोन में हमें कुछ और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वाईफाई 7, NFC, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, डुअल नैनो सिम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट एंड IP56 रेटिंग जैसे और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस इस फोन के बेस वेरिएंट में हमें 12GB की रैम एंड 256GB की रोम देखने को मिलती है। एंड इसके टॉप वेरिएंट में हमें 16GB की रैम एंड 512GB की रोम देखने को मिल जाती है। सो गाइस फाइनली अब बात करते हैं इस फोन के कंक्लूजन की। तो गाइस अगर आपको 50 से 55 हज़ार रुपये के बजट में एक गेमिंग फ़ोन चाहिए या फिर एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आप अच्छी खासी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कर सकें, मतलब कि अगर आपको एक कैमरा वाला फ़ोन चाहिए या फिर आपको एक अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए या फिर प्रोसेसर वाला फ़ोन चाहिए, सो ये सारी चीज़ें इस फोन में आपको टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलने वाली है। सो गाइस अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है सो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।